Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वालेकुम, आज बना रही हूँ नारियल पाक विद फ्रेश कोकोनट। फ्रेश नारियल से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक फ्रेश नारियल लिया है और उसको मैंने देखिए ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड भी आपने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, जैसे ये दिख रहा है सेम वैसे ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर जाएगा देसी घी, मैं यूज कर रही हूँ देसी घी, इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आलमंड लिया है, बादाम, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और यहाँ पर देखिए, मैं थोड़े से इसमें केसर यूज करूंगी। ये देखिए, केसर मैं इसमें यूज करूंगी, थोड़ा सा यूज करूंगी, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर लिया है 1/2 कप। मैंने यहाँ पर पानी जाएगा इसमें यूज होगा और 1 कप इसमें शुगर लगेगा, तो रेशो आपने ध्यान में रख लेना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 टीस्पून घी लिया हुआ है और मैंने 1 टेबल स्पून बोला है, तो हाफ जो 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 टीस्पून अभी लिया हुआ है और 1 टीस्पून मैं ग्रीस करने के लिए, प्लेट को ग्रीस करने के टाइम पे यूज़ करूँगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो घी है, घी के अंदर ये कोकोनट डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। हमें इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से इसे भून लेना है। यहाँ पर देखिए, ये जो कोकोनट है उसका, नारियल का जो कलर है वो टोटली चेंज हो गया है। तो अभी मैं ये भून के अच्छे से रेडी हो गया है, तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया, फ्रेश नारियल को अच्छे से भून के ले लिया था मैंने। अब इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी और शुगर ऐड करने के बाद मैं पानी ऐड कर लूंगी इसमें मैं, और इसी के साथ में मैं इसके अंदर ये जो सैफ्रॉन स्टिक है ये मैं थोड़े से इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से कुक कर लूंगी। इतना हमें पकाना है कि वो एक तार की चाशनी होना चाहिए, तो इतना हमें इसे पका लेना है। तो बस मैं इसे कुक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी हम इसे चेक कैसे करेंगे, एक तार की चाशनी कैसे हुई है। तो ये देखिए, थोड़ा सा स्पून में ले लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि गर्म होता है तो हाथ जलने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने चेक करना है। ये देखिए, तो अगर आपको एक तार दिख रही है, देखिए इसमें एक तार प्रॉपरली दिख रही है, तो अगर आपको एक तार दिख रही है, इट मीन्स कि ये अच्छे से पका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर। वैसे इलायची पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालना चाहो, और जो मैंने बादाम लिए हैं वो भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। अब इसमें मैं ये फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये जो साइड साइड से जो होगा वो भी हमें स्क्रैप आउट करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जब मैंने मिक्स कर लिया सारा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, मैंने जो कोकोनट था वो मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद में ये देखिए, हमें और इसे 5 मिनट कुक करना है। और ये देखिए, आप इसको ऐसे टर्न करोगे तो ये आपको कलर दिखना चाहिए। ये देखिए, अगर कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो इसका जितना भी गीलापन है वो सब कुछ ड्राई हो चुका है। तो ये हमारा जो पाक का जो पीस है वो अच्छे से बन के निकल के आएगा। तो बस इसको ये कलर तक करना है। ये देखिए, जैसे गोल्डन कलर आ रहा है वैसे ही सारे गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका कलर देखिए टोटली चेंज हो गया है। और मैं आपको एक और साइन बताती हूँ, अगर कलर से अगर आप नहीं समझ पाओ तो मैं एक आपको और साइन बताती हूँ। ये मैंने फ्रेश कोकोनट से बनाया है, इंशाल्लाह आपको ड्राई कोकोनट से भी बताऊंगी, वो बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर आप इस तरीके से आप चेक करो तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, जो ये नारियल पाक का जो बैटर है वो देखिए पैन को अच्छे से छोड़ लिया है, मतलब इसने पैन को अच्छे से छोड़ दिया है। तो चलिए, अभी मैं इसे प्लेट में ग्रीस कर लिया है मैंने प्लेट, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एक प्लेट ले ली है और उसको मैंने यही, मतलब देसी घी से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब ये जो इसको मैं अच्छे से ये देखिए इस तरीके से इसको मैं शेप दे दूंगी और इसको आपने गरम गरम ही कट करना है। ठंडे होने के बाद में ये कट नहीं कर पाओगे आप। तो मैं इसको इवनली स्प्रेड कर देती हूँ फर्स्ट, और फिर इसके बाद में इसको कट लगा देती हूँ।
ये देखिए जो फ्राई पैन है वो देखिए ऐसा दिखना चाहिए, इट मीन्स कि ये अच्छे से हो चुका है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। बस मैंने इस तरीके से आपके सामने ही पोर किया और ये देखिए ये ऐसा ही होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि आपका जो नारियल पाक है एकदम प्रॉपर तरीके से बना है। देखिए इसको मैं कट लगा रही हूँ अभी, ये ठंडा होने के बाद में नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अभी गर्म है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, जब ठंडा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जम जाएगा। तो अभी मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हाफ एन आवर मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था और मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये नाइफ से आपने चेक कर लेना है। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट लाइन तो निकाल ली है, तो यहाँ पे देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से ये निकला हुआ है। मैं आपको सेकेंड लाइन अपने आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ। बस ये थोड़ा नाइफ की हेल्प से आपको नीचे से इस तरीके से इसको, ये देखिए थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से आपको पुश करना होगा नीचे से, ये देखिए जब आप पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको पीसेस मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।